जय श्री महाकाल। आदेश, तो एक साधक थे, उन्होंने एक मंत्र व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा हुआ था माता धूमावती का। वो पूछ रहे थे कि इस ये मंत्र सही है या इस साधना को हम कर सकते हैं। मंत्र सही था, लेकिन सबसे बड़ी बात एक है कि गृहस्थ साधक, साधारण साधक या नवीन साधक माता धूमावती की आराधना करने योग्य नहीं होता है। ये नहीं कहूंगा कि नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो माता धूमावती की साधना के योग्य नहीं। लेकिन जिन साधकों को माता धूमावती से विशेष प्रेम है, उनके प्रति विशेष आकर्षण है, उनके प्रति विशेष समर्पण है, विशेष भक्ति है अगर, तो सबसे पहले उन्हें करनी चाहिए माता धूमावती योगिनी की साधना, क्योंकि माता धूमावती की प्रमुख सेविका और उनकी सबसे प्रिय सखी भी कह सकते हैं, प्रमुख सेविका और प्रमुख सखी धूमावती योगिनी, और इनकी साधना करने से व्यक्ति माता धूमावती की पूर्ण कृपा प्राप्त कर लेता है। लेकिन कलयुग में अभी जो साधक माता धूमावती योगिनी की साधना करता है वो सर्वज्ञ हो सकता है, लेकिन और अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकता है, मानस में इनका दर्शन कर सकता है, और इनका जो स्वरूप है वो एकदम काला स्वरूप है, काले रंग की दिखाई देती है। तो मानस के माध्यम से अगर वो साधक इनके दर्शन करता है तो वो एकदम सांवले रंग की, एकदम काली नजर आती हैं जो धूमावती योगिनी है। और इनकी साधना करने से जो लाभ होते हैं वो मैंने आपको बताई है कि अगर धूमावती योगिनी साधक से प्रसन्न हो गए तो पहले मानस में दर्शन देंगी और उसके प्रश्नों के उत्तर देंगी, और अगर वो लगा रहा तो 2-3 वर्ष बाद वो प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने प्रकट हो जाती, और जब उसके सामने प्रकट हो जाती हैं तो प्रत्यक्ष दर्शन हो गए तो वो उनसे प्रत्यक्ष रूप से बातचीत कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक है कि ना मैं ये कहूंगा कि ये मानस में दर्शन देंगी और ना मैं ये कहूंगा कि ये प्रत्यक्ष देंगी। ये दोनों चीजें साधक की साधना और साधक के समर्पण पर निर्भर करेगा, क्योंकि कई ऐसे साधक हैं जिन्होंने मानस में इनके दर्शन किए हैं और मानस में प्रश्नोत्तर प्राप्त किए हैं। हालांकि ये साधना सरल नहीं है, इस साधना को आरंभ करते ही अनुभूतियां शुरू हो जाती, और इतनी प्रचंड अनुभूतियां होती हैं कि जितने दिन की ये साधना है साधक पूर्ण नहीं कर पाता है अगर उसमें पात्रता नहीं है तो। और अनुभूतियां तो ऐसी होती हैं कि वो जाप कर रहा है, दृश्य तो चलना शुरू हो जाते हैं, आंख बंद करके उसने जाप किया और दृश्य दिखना शुरू हो गए, माता सामने दिखना शुरू हो जाती है, दीपक की तरफ वो देखा और जाप शुरू किया और फिर उसने आंख बंद, माता का स्वरूप सांवले रंग का दिखना शुरू हो जाता है, माता धूमावती योगिनी का। और इसके बाद तमाम चलचित्र गुजरना शुरू हो जाते हैं, इसके बाद और जैसे ही जाप आगे बढ़ता है तो पदचाप सुनाई देना शुरू हो जाती है, जैसे पीछे कोई टहल रहा हो। लेकिन आपने देखा होगा कि जब आप आंख बंद करे हो, वो कमरा में प्रकाश हो, जब कोई निकल जाए तो आपको एक छाया नजर आ जाती, आंख बंद करे करे भी, चलो आजमा के देख लो, बल्ब की तरफ आंख बंद कर लो, अपना ही हाथ ऐसे हटाओ तो आपको दिख जाएगा कि कोई निकल गया, कोई नहीं निकला, वो हाथ की छाया पड़ी है। तो जब शक्ति निकलती है तब भी आप उस चीज को अनुभव कर पाते हो, तो ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं धूमावती योगिनी की। हाँ, ये धूमावती योगिनी माँ की साधना एक ग्रुप था बहुत पहले, न्यूनतम राशि साधना ग्रुप, तो उसमें कराई गई थी। हालांकि वो जो प्रक्रिया थी, जो विधान था, वो बहुत सरल था, सभी के लिए था। लेकिन अब जो नया विधान आया है, जो साधना अपग्रेड हुई है, वो बहुत तीक्ष्ण है, इसके प्रभाव बहुत अलग है। और इस साधना को करने से साधक वो सभी चीजें प्राप्त कर सकता है जिसकी वो लालसा रखता है। लेकिन बस बात वही है कि सब साधक की पात्रता पर निर्भर करेगा, उसके समर्पण पर निर्भर करेगा। और एक बात और मैं आज सभी को बता दूं, क्या होता है कि राशि देने के बाद आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हो, आप सिखाने वाले के प्रति अगर समर्पण भाव नहीं रखोगे और विश्वास नहीं रखोगे
तो चीजें उतनी या उस तरीके से घटित नहीं होंगी। कहीं ना कहीं कोई चूक रह जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आपका राशि देना कोई चीज खरीद लेना नहीं है कि जैसे आप दुकान पे गए, आपने कहा एक कोल्ड ड्रिंक देना, आपने पैसे दिए, आपने कोल्ड ड्रिंक ली, बात खत्म हो गई। कौन था देने वाला भाड़ में, ऐसे नहीं होता है। ये अलग क्षेत्र है, इसमें तो आपको अपने पूरे जीवन जुड़ाव और आदर का भाव रखना होगा जिससे आपको जो चीजें प्राप्त हो रही हैं। कहीं भी आप प्राप्त करो, किसी से भी जुड़ो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर उसने आपको ये बताया कि शिव जी के ऊपर जल ऐसे चढ़ाना है तो पूरे जीवन आप उसके प्रति आदर का भाव रखें, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। जहां आपका आदर का भाव का, एक बार मेरे से एक मैसेज आया था, शास्त्री जी हमने अपने गुरु विसर्जित कर डाले। हद हो गई, कमाल की बात है, हमने अपने गुरु बनाए थे, हमने अपने गुरु को छोड़ दिया। मतलब तुम्हें क्या लगता है, कोई मजाक चल रहा है क्या? आप गुरु दीक्षा ले लो और जब मन करे गुरु को ऐसे कुचका दो, जब मन करे, ऐसे नहीं होता है। ऐसे करोगे आप कभी पूरे जीवन सफल नहीं होगे। हाँ, लेकिन कब? अगर आप खुद इतने क्षमतावान हैं। दूसरी बात, गुरु अपने पथ से पथ भ्रष्ट हो गया है और आप उच्च स्तर पे हो। कम से कम उच्च स्तर का मतलब, सीधी बात है, आपने 36 लाख ओम नमः शिवाय कर लिए हो या 36 लाख नमः मंत्र कर लिए हो तब आप, और गुरु पथ भ्रष्ट हो गया हो तब आप अपने गुरु का इस तरीके से परित्याग कर सकते हो। नहीं तो आपकी कोई क्षमता नहीं है। अगर आप करते हो तो आप गर्त में जाओगे, बुरी तरीके से रिपीट खाओगे और पूरे जीवन उठ नहीं पाओगे। इसलिए जिससे भी जो भी चीज प्राप्त करो उसके लिए पूरे जीवन आदर का भाव रखो, और अगर वो पथ भ्रष्ट हो गया है तो उसकी उन कमियों को नजरअंदाज करो। तुम्हें वो नहीं सीखनी है, बस उसने जो अच्छा सिखाया उसका ध्यान करो, उस क्षण का याद ध्यान करो, उस क्षण का ध्यान करते हुए उसको आदर भाव दो, बस बात खत्म हो गई। उसके पास ना जाओ, नहीं जाना है, उसको प्रणाम करो, इसके पैर छुओ ना छुओ कोई मतलब नहीं, लेकिन उसकी अवहेलना मत करो, क्योंकि आपको कोई चीज प्राप्त हुई है उससे। और कभी भी कहीं भी आपको जो प्राप्त हो रहा है उसके बदले में आप राशि दे रहे हैं तो उससे सौदेबाजी मत करो, क्योंकि वो चीज थोड़ा सा अलग प्रभाव देना शुरू कर देती है। ऐसा नहीं है, दुकान की तरीके से, दुकानदार की तरीके से मत देखो उसे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वो चीज उस तरीके से फलित नहीं होगी। ये आपके लिए ही ये काटे का सौदा है, इसलिए ऐसा मत करिएगा कभी भी। तो जो धूमावती योगिनी है, इनकी साधना करने से व्यक्ति के जो पूर्व जन्म की शक्तियां वो भी अनलॉक हो जाती हैं, ध्यान के माध्यम से आप इनके दर्शन कर सकते हो, लेकिन ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करेंगी, ये कोई नहीं सिखा सकता है। जैसे कभी भी ऑनलाइन, मैं आज एक बात और बता दूं कि ऑनलाइन कभी भी कोई भी व्यक्ति आपको प्रैक्टिकल नहीं करा सकता है, ऑनलाइन संभव नहीं है। हाँ, कौन करा सकता है? जो बहुत परिपक्व हो या वही हो जो सर्वप्रथम ये प्रक्रिया लाया है, क्योंकि इसके पहले कोई नहीं कराता था, या तो वो बहुत बड़ा मास्टर हो उसमें तो वो ऑनलाइन रूप से आपको वो प्रैक्टिकल करा देगा, नहीं तो मानस का प्रैक्टिकल ऑनलाइन संभव नहीं है। और ऑनलाइन क्या, मैं तो ऑफलाइन भी नहीं कराता हूं, क्योंकि मानस का प्रकरण इतना सरल नहीं है कि जो मैं कह दूं कि भाई आइए और मैं करा देता हूं, मैं नहीं कराता हूं। ये वासा जी कराते हैं और सही तरीके से हो जाता है लोगों का, और लोग सफल भी हैं, कई लोग सफल हैं और वो अपना काम भी कर रहे हैं। हाँ, इस बात से याद आ गया, अभी वो आए हुए थे दिनेश जी, आपने देखा होगा, महातंत्र काट साधना के लिए आए हुए थे। तो वो आए और हमसे बोले, बोले शास्त्री जी वो कपाली भैरव साधना आपने कराई थी और वासा जी ने प्रैक्टिकल कराए हुए थे, मैं भूल गया। मैंने कहा क्या भूल गए? बोले अब शक्ति से मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ कपाली भैरव बाबा से। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी प्रक्रियाओं पर विश्वास नहीं है। तो एक व्यक्ति है, उनका स्कैनिंग आई हुई थी, उसको मैंने कर लिया था। करने के बाद
मैंने वो प्रश्न सारे लिखे हुए थे जो मैंने उनको भेज चुका था जिनकी स्कैनिंग थी, इसके बाद उसकी फोटो दिखाई हमने। ये बताओ दिनेश जी, ये जो फोटो है, दिनेश जी भी ये वीडियो देखेंगे तो शायद शायद कमेंट करें इस पे कि क्या हुआ था। तो मैंने उनको फोटो दिखाई, मैंने कहा कपाली भैरव बाबा का आह्वान करो और ये पूछो कि ये जो व्यक्ति है इसने कौन कौन से प्रश्न किए थे शास्त्री जी से, और दूसरी बात उनके उत्तर क्या है। अब देखो दिनेश जी को दोनों चीजों, मतलब प्रश्न भी उन्हें खोजने हैं, उत्तर भी उन्हें खोजने हैं। उन्होंने तीन प्रश्न खोजे और तीन ही उत्तर खोजे। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे प्रश्न किए थे, ये आया मेरे दिमाग में, मुझे जो थॉट आए, जो फ्रिक्वेंसी आई, तो ये आया कि ये तीन प्रश्न किए थे और इसके उत्तर ये है। तो मैंने फिर पूरा व्हाट्सअप दिखाया, मैंने कहा देखो इसके प्रश्न देखो, मिलाओ, मिल गए। मैंने कहा उत्तर जो तुमने दिए हैं वही हैं ये उत्तर। मैंने कहा अब शंका मत करो, अपनी शक्ति पर जब भी तुम शंका करोगे शक्ति खोती चली जाएगी, दूर होती चली जाएगी, खोएगी नहीं, बहुत दूर होगी। बहुत प्रयास से जब तुम प्रैक्टिकल करोगे तो बहुत प्रयास के बाद वो आएगी, लेकिन जब तुम विश्वास करते हो तो शक्ति आंख बंद करते ही, अरे आंख तो दूर की बात है, तुम चलते चलते थॉट आना शुरू हो जाते हैं। रास्ते पे चल रहे हो, कोई व्यक्ति आया, भैया इसमें 10,000 इन्वेस्ट करो 15,000 का लाभ है, तत्काल तुम्हें शक्ति बता देगी कोई लाभ नहीं है, 10,000 खा के भाग जाएगा। ऐसे होता है, जितना तुम विश्वास करोगे वैसी प्रक्रियाएं होंगी। तो वही है धूमावती जो योगिनी है, इनकी साधना करने से व्यक्ति की पूर्व जन्म की शक्तियां अनलॉक हो जाती हैं, वो सर्वज्ञ हो सकता है और वो मानस में भी अपने प्रश्नोत्तर कर सकता है 2-5 साल में, अगर लगातार लगा रहा, वो साधना करता रहा और पूर्ण विश्वास के साथ करता रहा तो शक्ति प्रत्यक्ष भी हो सकती है। लेकिन ये सभी चीजें साधक के नियम, संयम, समर्पण और भक्ति पर निर्भर करती। तो बस आज की जो चर्चा थी वो बहुत लंबी भी हो गई है, वो कई विषय इसमें जुड़ गए हैं। तो बस आज की चर्चा को विराम देते हैं। आदेश, जय श्री महाकाल।